रहमान रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, द रेडियो आइसोटोप यूज टू कंट्रोल द डिजीज लाइक ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को लोकीमिया भी कहते हैं। तो वो जो रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है ब्लड कैंसर की बीमारी के खिलाफ उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे कहते हैं कोबाल्ट 16। तो जो ब्लड कैंसर है वो क्या होता है, जब WBC वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है लोकीमिया। तो ये जो है इसमें लोकीमिया में बोन मैरो को तब्दील किया जाता है। द डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, तो वो है जनरेटर। तो जो अमीटर होता है वो करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। गलवेनोमीटर शॉर्ट करंट, जो छोटा सा करंट होता है उसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु इज़ क्रेडिटेड विद फर्स्ट प्रेजेंटिंग द वर्ड इकोलॉजी। सबसे पहले इकोलॉजी का वर्ड किसने यूज़ किया था, तो वो है रिटर। न्यूक्लियस किसने ड्राफ्ट किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। DNA का सेंसिस किसने किया था, खराना ने। इंडिया से है इनके तलक। और अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को कहते हैं इकोलॉजी, माहौल के मुताले को कहते हैं इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन विद मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस और करीब की चीज़ें दिखाई ना दे उसको कहते हैं मायोपिया हो गया है इसको। तो इसको कैसे, इसको किस तरह, किस लेंस के साथ करेक्ट किया जाता है, तो वो है कनकेव लेंस। और जिसको दूर की चीज़ें देखने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, और आँखों में भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डज प्यूपल कम इन ब्राइट लाइट, यानी कि जब रोशनी बहुत ज़्यादा तेज हो तो जो प्यूपल का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है ताकि रोशनी कम अंदर जाए। जैसे कि हम ड्राइविंग कर रहे हो, आगे से लाइट पड़े तो हम आंखें बंद कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि वो ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों में ना पड़े। इन विच RBC न्यूक्लियस एबसेंट, तो जो मैमल में ना RBC रेड ब्लड सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एबसेंट होता है। एनिमल्स डज नॉट हैव लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड उसको कहते हैं आंसू निकालने का ग्लैंड, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड का काम होता है आंसू निकालना। और क्रोकोडाइल में जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड मौजूद नहीं होता। हम एक कहावत भी है कि मगरमच्छ के आंसू, यानी कि वो झूठ मूठ के आंसू, क्योंकि हम क्रोकोडाइल जो होती है ना वो उसके आंसू नहीं निकलते, इस वजह से ही ये कहावत बनी है। इन द ह्यूमन आई कौन सा लेंस होता है इंसानी आंख में, वो होता है कन्वेक्स लेंस। कैमरे में भी कन्वेक्स लेंस होता है, टेलीस्कोप में भी और माइक्रोस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो जो हीलियम है वो इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। तो ये एक नोबल गैस है और ये पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में सारी नोबल गैसें ही मौजूद हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अ प्योर सब्सटेंस इज़, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी। डिस्कवरी ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हो, 92 से ज़्यादा हो। तो डिस्कवर किसने किए थे, ये हान ने किए थे, हान। तो यूरेनियम का जो है ना एटॉमिक नंबर वो है 92। आगे 14 क्वेश्चन नंबर है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी है, तो वो है एलुमिनियम। अर्थ में ना चार तरह की, चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो ये हैं। सबसे पहला है सिलिकॉन, ये एक मेटलॉइड है। ऑक्सीजन ये गैस है, एलुमिनियम ये धातु है, मेटल है। और आयरन जो है ये भी मेटल है। सबसे ज़्यादा एलुमिनियम है, उससे कम जो दूसरे नंबर पर है वो आयरन है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो चार ऑप्शन थे उनमें से सिलिका जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्टूडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।